इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गोश्त लिया है, ये मटन का है, लेकिन अगर आप चाहें तो चिकन भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो मटन का गोश्त इसको मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया और इसको थोड़ी देर के लिए मैंने स्ट्रेनर पर रख दिया, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी जो भी है वो सारा निकल जाए। हरी मिर्च का पेस्ट लेंगे, ग्रीन चिली पेस्ट, क्योंकि इसमें जो है लाल मिर्च बिल्कुल नहीं पड़ती है, ये एकदम व्हाइट होता है, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप हरी मिर्च को ऐड कर सकते हैं, आप इसको कम भी कर सकते हैं और थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, जैसा आप, अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं ज्यादा तो आप हरी मिर्ची की जो है क्वांटिटी वो ज्यादा भी कर सकते हैं। कर लेंगे दही, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है, लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये फेनल पाउडर है, सौंफ का पाउडर, कोरिएंडर पाउडर है, धनिया पाउडर, सॉल्ट है, नमक, काली मिर्च का पाउडर है, ब्लैक पेपर पाउडर। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गोश्त को मैरिनेट करेंगे, इसमें हम सारा सामान डाल देंगे, ये सौंफ का पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च है, नमक है, दही डालेंगे, हरी मिर्च का पेस्ट, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इन सबको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे गोश्त में। देखिए सारी चीजें इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसे हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए फ्रिज में। देखिए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, मटन हमारा बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब इसमें इसे हम पकाने का प्रोसेसर शुरू करेंगे। इसके लिए हमने अनियंस ली है, प्याज इसको ऐसे स्लाइस में कट कर लिया है, तो थोड़े से ऑल स्पाइसेस लिए हैं हमने, साबुत गर्म मसाला, इसमें ब्लैक कार्डमम है, ग्रीन कार्डमम है यानी मोटी इलायची, हरी इलायची, स्टार एनीज है, बादियान का फूल, क्यूमन सीड्स है, जीरा, ब्लैक पेपर कॉर्न है, काली मिर्च, क्लोव्स है, लौंग, मेज है, जावित्री, सिनेमन स्टिक है, दालचीनी, बेलीफ है, तेजपात। देखिए गैस पर मैंने एक खुले मुंह का बर्तन रखा है, उसमें ऑयल डाल दिया, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब स्टेज पर इसमें हम प्याज डाल देंगे जो हमने स्लाइस करके रखी थी, इसको हमें गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए प्याज जो है ये गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए प्याज हमने निकाल ली, अब इसमें साबुत गर्म मसाला हम डाल देंगे। दोनों इलायचियों के हमने मुंह खोल दिए हैं, थोड़ा सा ऑयल में इन्हें सॉटे करेंगे जिससे मसालों का फ्लेवर ऑयल में आ जाए। अब इसमें ये मैरिनेट किया हुआ मटन हम डाल देंगे। देखिए मटन इसमें डाल दिया, अब इसे हमें भूनना है, हाई फ्लेम पर हम इसे भून लेंगे ऑयल के सेपरेट होने तक, ऐसे चलाते हुए इसे हमें भूनेंगे जिससे ये मसाला जो है नीचे पैन में नहीं लग जाए। देखिए गोश्त में बॉईल आ चुका है, अब इस स्टेज पर इसमें हम ये गोले का बुरादा डाल देंगे, गरी का बुरादा, डेसिकेटेड कोकोनट है ये, इसको भी हम इस मसाले के साथ में अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम हमने हाई पर कर रखी है। देखिए मसाला इसमें बहुत अच्छे से भून चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है, क्योंकि जो दही ने गोश्त थे सबने पानी छोड़ा था, वो सारा का सारा एकदम खुश्क हो गया है। अब हमें गोश्त को गलाना है, तो इसके लिए हम इसमें पानी डालेंगे। देखिए हमने इसमें पानी डाल दिया है गोश्त को गलाने के लिए, और पानी अगर थोड़ा ज्यादा भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें इसी में पुलाव बनाना है, तो इसमें एक बॉयल आने का हम वेट करेंगे। देखिए पानी में बॉयल आ चुका है, अब इस स्टेज पर हम फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में कर देंगे और इसे कवर करके रख देंगे गोश्त के टेंडर होने तक, मतलब इतना हमें गोश्त को गला लेना है तकरीबन 90% तक, तो उसे हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, या हो सकता है गोश्त को गलने में से थोड़ा सा ज्यादा वक्त भी लगे या कम वक्त भी लगे, तो बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। तो अभी फिलहाल इसे हम कवर करके रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर गोश्त देख के फिर उसके आगे का हम टाइमिंग और बढ़ा सकते हैं। देख लीजिए तकरीबन 90% तक गोश्त जो है वो अच्छे से गल चुका है, और इसमें मुझे 20 मिनट का वक्त लगा है, लेकिन बीच बीच में मैं इसे चला के देखती भी रही खोल के, कहीं गोश्त ज्यादा नहीं गल जाए। तो 20 मिनट में पूरी तरह से 90% तक गोश्त हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसमें हम चावल डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। देखिए चावलों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब इसमें हम पानी डालेंगे। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ पानी की क्वांटिटी किस हिसाब से डालते हैं। ये हमारी जो फिंगर है इसको हम इसमें पानी में डिप करेंगे, तकरीबन हमें एक जो है ये फिंगर का यहां तक पानी आ जाना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल चावल के ऊपर उंगली मेरी फिंगर जो है वो टच हो रही है और इतना पानी है,
ये पानी जो है बिल्कुल पुलाव बनाने के लिए बहुत ही सही है, बहुत जो है ठीक इसका नाप होता है। अब इसमें हम नमक डालेंगे, क्योंकि अभी हमने चावलों के हिसाब से नमक नहीं डाला है, हमने नमक सिर्फ जो है मटन को मैरिनेट जब करा था तब इसमें हमने डाला था गोश्त के हिसाब से, अब हमने चावलों के हिसाब से जो है नमक डाला है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। फ्लेम हमने हाई पर कर रखी है, देखिए पानी में बॉईल आ चुका है। अब इस स्टेज पर हम फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में कर देंगे और इसे कवर करके रख देंगे पानी के खुश्क होने तक और चावल के गलने तक। ये देखिए इसका पानी बिल्कुल पूरी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है बिल्कुल, और चावल भी एकदम खिला खिला बना है, एकदम गल चुका है, सॉफ्ट हो गया है। अब इस स्टेज इसको हमने बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाया है। अब इस स्टेज पर इसमें हम ये केवड़ा वाटर और थोड़ा सा फूड कलर ये डाल देंगे, क्योंकि इसके डाले बिना तो पुलाव का अच्छा ही नहीं लगता। थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, इसमें तली हुई प्याज डाल देंगे इसके ऊपर से, थोड़ा से पुदीने के पत्ते इसमें डाल देंगे, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसे अब हम कवर करके रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट के लिए, जिससे ये दम पे आ जाए। इसके ऊपर हम एक चकला रख देंगे रोटी बनाने वाला, जिससे इसमें दम अच्छे से लग जाए, प्रेशर इसमें जो वो है भाप है वो बाहर नहीं निकले और दम इसमें बहुत अच्छे से लग जाएगा। तो इसमें तकरीबन हम 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर रख देंगे और उसके बाद फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और फिर डिश आउट करेंगे। और ये देखिए गरम गरम सूफियानी बिरयानी पुलाव बनके बिल्कुल तैयार है। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये एकदम डिफरेंट तरह का पुलाव है। तो इसको मैंने कच्चे कीमे के कबाबों के साथ में सर्व किया है, रायता है, सलाद है, सबके साथ में सर्व किया है। ये कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी आप मेरे वीडियो पर देख सकते हैं और इस पुलाव के साथ में ये कबाब बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।